ये निशान कैसे लगे? सिद्धार्थ ने मारा तुझे? क्या बोलूं मैं कृष्णा को, सिर ने ये सब किया? नहीं नहीं, अगर कृष्णा को कुछ भी बताया तो वो भी सिर को यही कहेगी कि वो मुझे छोड़ दे। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या करोगी जानकर? कृष्णा मोहिनी सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी कृष्णा मैडम जो है घर परिवार वालों के साथ मिलकर एक नई प्लानिंग करती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई एक तरफ जहाँ कृष्णा और सभी घर वाले मिलकर मोहिनी को अपनी बातों में उलझाते हैं, तो वही दूसरी तरफ अंश जो है वो पेन ड्राइव ढूंढता है जिसमें सारे रियल फुटेजेस हैं और जिसकी वजह से आर्यमान जो है जेल जाने से बच सकता है। तुम लगती कौन हो मेरी? मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। चाहे कुछ ना बोले पर मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ ने ये किया है। एक साल पहले मैंने सोचा था कि मोहन का ब्रेन वॉश करके मैं उसे उसकी बहन के खिलाफ यूज करूंगा। और ठीक वैसे ही होते ही भाई यहाँ पर इस बार अंश को पेन ड्राइव भी मिल जाती है और सभी घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दो कि भाई कहानी में यहाँ पर दोबारा से एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई मोहिनी को ऑलरेडी इनके चाल के बारे में अच्छी तरीके से पता था और मोहिनी ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी और उसने पेन ड्राइव बिल्कुल खाली रखी थी। जी आपको बता दो, पर वो तो मुझे यूज कर रही है। क्या कुछ नहीं किया मैंने? इतना झूठ बोला, झूठे सबूत बनाए, उसकी मौत प्लांट की है। पर अब लगता है कि मोहिनी पे सारे इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गए। वो धमका रही है मुझे कि भाई पेन ड्राइव में कोई भी फुटेजेस नहीं मिलते, जिसकी वजह से कृष्णा के साथ साथ सभी घर वाले काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई मोहिनी ने इस बार ठान लिया है कि वो घर वालों को इस कदर परेशान करेगी कि भाई उन्हें धूल चटा कर रहेगी इस बार। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नए प्लान के साथ दोबारा से मोहिनी सामने आई है। तुमसे जवाब तो देना था ना, वैसे मैं उससे प्यार तो करता नहीं हूँ। ये सब नाटक था ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ। मैंने सोचा था कि सारी गलती उसके नाम पर डालकर खुद। यहाँ पर वो रिपोर्टर्स को घर बुला लेती है। अब यहाँ पर घर वाले भी डर चुके हैं कि क्या इस बार मोहिनी जो है वो फुटेजेस रिपोर्टर्स को देने वाली है। और यहाँ पर सभी घर वाले काफी डर जाते हैं और मोहिनी को रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपको बता दो कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मोहिनी अपने ऐश करूंगा और वो सड़ेगी जेल में, और उसके क्रिमिनल माइंड होने का इशू बनाकर उसे डिवोर्स दे दूंगा, खत्म कर दूंगा इस शादी। और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लड़का से लड़की बनने की जर्नी के बारे में इंटरव्यू देने वाली है। और यहाँ पर मोहिनी सिर्फ और सिर्फ घर वालों को डराने के लिए ऐसा करती है। और यहाँ पर आर्यमान दोबारा से मोहिनी की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई आर्यमान जो है कृष्णा पर सारी गलतियां थोप देता है और कहीं ना कहीं आर्यमान के मन में कृष्णा को लेकर नफरत पैदा शुरू हो चुकी है, जैसा कि मोहिनी चाहती थी। तो वहीं कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्यमान ने इस बार ठान लिया है कि वो सारी प्रॉपर्टी सिद्धार्थ और मोहिनी के नाम कर देगा, ताकि सिद्धार्थ और मोहिनी आगे चलकर दोबारा से उसके परिवार को ब्लैकमेल ना कर पाए, उसे परेशान ना कर पाए। वहीं आगे हम ये भी देखेंगे जैसे आर्यमान प्रॉपर्टी सारी सिद्धार्थ और मोहिनी के नाम करने वाला ही होता है कि वहां पर अचानक से कुंदन को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार कृष्णा मोहिनी और सिद्धार्थ के चंगुल से बाहर निकल पाएगी या नहीं।